हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित प्रकाश है और मैं एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में एक्टिंग में फैकल्टी हूं। आज मैं आपको एक्टिंग की एक नई टिप देने वाला हूं। बेसिकली वो टिप है कि हीरो के रोल में और कैरेक्टर रोल में क्या फ़र्क होता है, और अगर आप इस फर्क को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको हीरो के बारे में बताता हूँ कि एक फिल्म का जो हीरो होता है उसके अंदर सभी मानवीय गुण ज़्यादातर संतुलित मात्रा में होते हैं, यानी कि वो इन गुणों का जो है बहुत एक संतुलन लेके चलता है। जबकि एक चरित्र अभिनेता जो होता है, यानी कि जो चरित्र रोल होता है, कैरेक्टर रोल होता है, उसमें कोई एक मानवीय गुण नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है और वही उसके चरित्र का जो है प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है और या प्रीडोमिनेंट साइकोलॉजिकल फीचर होता है। जैसे एक बहुत ही स्नेही भाभी हो सकती है, केयरिंग भाभी हो सकती है, एक आवारा मामा हो सकता है। तो आवारापन जो है उसके कैरेक्टर का जो है प्रीडोमिनेंट साइकोलॉजिकल फीचर है या उसका एटीट्यूड है। और इसके साथ ही एक बहुत ही चुलबुली बहन हो सकती है, शरारती छोटा भाई हो सकता है जो कि गैर जिम्मेदार भी हो सकता है, इसके अलावा एक बहुत ही सीरियस जिम्मेदार भाई हो सकता है, गुस्सैल पिता हो सकता है और फ्रेंडली चाचा हो सकता है, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल ताऊजी हो सकते हैं या दादाजी हो सकते हैं। तो इन कैरेक्टर के जो गुण है ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हैं। तो जो बहन का चुलबुलापन है वो उसका एक एटीट्यूड है, और भाई का शरारतीपन या गैर जिम्मेदारानापन ये उसका एटीट्यूड है। तो अगर आपको कैरेक्टर रोल मिले, क्योंकि फिल्म के अंदर हीरो का रोल सिर्फ एक होता है लेकिन कैरेक्टर रोल बहुत से होते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैरेक्टर रोल के लिए ही कम्पीट करते हैं। और उसकी वजह ये हो कि कई बार अभिनय के मौके जो है कैरेक्टर रोल में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको अलग अलग तरह के चरित्र जीने का मौका मिलता है और अलग अलग तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा चरित्र मिले, ऐसा रोल मिले, कैरेक्टर रोल मिले, तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपके चरित्र का एटीट्यूड क्या है, यानी कि वो चुलबुला है, शरारती है, घमंडी है, गुस्सैल है, क्या है। आपको ये एटीट्यूड को अपने अंदर अपनाना है। इस एटीट्यूड को कैसे अपनाएं इसके लिए मैं किसी अगले वीडियो के अंदर टिप्स शेयर करूंगा। और जैसे ही आप उस एटीट्यूड को अपनाएंगे तो आपकी बॉडी में एक मैनरिज्म आएगा। तो इंटरनली आपको अपने कैरेक्टर में ढलना है, और इस कैरेक्टर में ढलने की जो पहली शर्त है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके कैरेक्टर का एटीट्यूड क्या है, और उस कैरेक्टर के एटीट्यूड को आपने अपनाना है। जब आप कैरेक्टर के एटीट्यूड को अपना लेंगे तो उसके बाद आपका ध्यान जाना चाहिए आपके कैरेक्टर का मैनरिज्म क्या है। अगर आपने कैरेक्टर के एटीट्यूड को सही तरह से अपना लिया है तो आप पाएंगे कि आपका जो मैनरिज्म है वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आपका मैनरिज्म अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि आपने एटीट्यूड को अपनाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ दी है। तो एक बार अगर आपने कैरेक्टर के एटीट्यूड को सही तरह से अपना लिया, उसके मैनरिज्म को अपना लिया, तो देखने वालों को लगेगा कि वो कोई नया चरित्र देख रहे हैं, नया इंसान देख रहे हैं, उनका ध्यान अभिनेता से हट जाएगा और आपके अभिनय को ये चीज़ नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उम्मीद है अभिनय की इस दुनिया में आपको ये टिप अवश्य काम आएगी, और इसी तरह की और टिप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ट्यूटोरियल्स भी देखते रहें। लेकिन अगर आप अभिनय की बारीकियों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी एकेडमी से संपर्क करें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।